like a Hellcat. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतकीय पारी खेले हुए 2 साल से ज्यादा समय हो गया है। गजब बेइज्जती है। पूर्वा वर्षीय विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ 12 मार्च से शुरू होने वाले सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में यदि वह 42 या उससे कम स्कोर अगर वह बनाते हैं तो अच्छा लगभग 6 साल में पहली बार उनका टेस्ट 250 से नीचे चला जाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की सीरीज का दूसरा डे नाइट मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि बहुत ही आकर्षक होने वाला है। ये मैच कोहली ने अपना आखिरी शतक नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में डे नाइट टेस्ट मैच में लगाया था, जो देखने लायक था। इस समय उनका टेस्ट में बल्लेबाजी औसत 54.97 है। उसके बाद कोहली की औसत में गिरावट आई है। विराट के करियर में 52 टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में 50 की औसत से हासिल की थी, जो कि बहुत ही शानदार थी, लेकिन इस समय उनका औसत गिर रहा है। लेकिन धीरे धीरे विराट की औसत नीचे जा रही है। कोहली श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट की पहली पारी में 45 रन बनाकर आउट हो गए थे, जो कि उनका 100वां टेस्ट मैच था जो मोहाली में खेला गया इंडिया श्रीलंका का टेस्ट सीरीज पहला था। यही नहीं, अभी और सुनिए। विराट कोहली के टेस्ट में बल्लेबाजी औसत 50.35 की है, जबकि वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इस दिग्गज के बल्लेबाजी ने 58.07 की औसत से रन जुटाए हैं। Truth is very good question. Thank you for watching, friends. इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।